हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। और जैसा कि हम पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में हम DBMS स्टार्ट किए थे, तो DBMS जैसे बताए थे आपको क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से, DBMS क्या है, सर्विस है, सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर क्या है, वो सॉफ्टवेयर जो हम यूज करते हैं। जैसे हम इसमें DBMS के MS Access के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ DBMS की सर्विस जो है वो सिर्फ MS Access ही देती है, और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारे इस सर्विस को देने में सक्षम है। लेकिन ये हम MS Access दुनिया में सबसे ज़्यादा इसलिए चलन में, क्योंकि इसको ये यूज़र फ्रेंडली होता है और इसको ऑपरेट करना आसान होता है। तो देखिए, गेटिंग स्टार्ट विद द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस मीन्स क्या करना है कि टू स्टार्ट विद एक्सेस फॉलो दिस मेथड्स। मेथड वन, क्लिक ऑन स्टार्ट ऑल एप्स एक्सेस 2016। मेथड टू, क्लिक ऑन स्टार्ट एक्सेस 2016। मेथड थ्री, टाइप एक्सेस 2016 सर्च बार एंड प्रेस द इंटर की। ये विंडोज 8 की बात कर रहा है, विंडो 8 और विंडो 10 में बिल्कुल ऐसे ही आपको मिलेंगे। लेकिन अगर विंडो 7 और XP तो अब जनरली किसी सिस्टम में नहीं मिलता है, बहुतों के पास होगा, लेकिन विंडो 7 मोस्टली ज़्यादा लोग विंडो 7 यूज़ करते हैं, क्योंकि वो क्या है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कंपेयर में विंडो 7 ज़्यादा फ्रेंडली है। उसके बाद आपका ये स्क्रीन खुलेगा और उसके बाद देखिए क्या है, राइट क्लिक ऑन द एक्सेस 2016 ऑन द स्टार्ट मेनू, और स्टार्ट मेनू में जाएं और राइट क्लिक करें एक्सेस 2016 को। पिन टू स्टार्ट, इट विल ऐड द एप्लीकेशन आइकन ऑन द टास्क बार टू इजी फीचर। मीन्स पिन टू टास्क क्या होता है, जैसे आप मोबाइल में अपने व्हाट्सअप है, फेसबुक है, और ये सब जो मेन जो ऐप्स होते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग फ्रंट में रख लेते हैं ताकि हमको ढूंढना ना पड़े बार बार। इसलिए पिन टू स्टार्ट हम करके क्या करते हैं, अपने टास्क बार में इसको ऐड कर लेते हैं कि बार बार हमको इन सारे ऐप्स को इस स्टेप को फॉलो ना करना पड़े। देखिए, इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है इसमें बहुत सारे ये हैं, उसको आज क्या करेंगे, आप लोग फेयर में इसको लिख लेंगे। जैसे एलिमेंट और डिस्क्रिप्शन में टाइटल बार है। टाइटल बार क्या होता है, इट इज़ लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द प्रोग्राम विंडोज एंड डिस्प्ले द नेम ऑफ द करेंट डेटाबेस, और ये उसके टॉप में होता है टाइटल बार, और उससे आपके डेटाबेस का नाम के बारे में बताता है कि किस नाम से आपका डेटाबेस बना हुआ है। QAT means quick access toolbar, it appears on the left side of the title bar and contains frequently used commands such as save, undo and redo that are indent of the tabs display on the ribbon। अरे, quick access toolbar ये वो tools होते हैं जो हमको क्या है, बार बार frequently use करना पड़ता है, तो QAT को हम अपने हिसाब से manage कर सकते हैं। लेकिन ये by default ये save, undo and redo क्या होता है, पिछले क्लास में बताए थे कंडो और रीडो क्या होता है, तो आप अगर नहीं हो तो आप कमेंट करेंगे, फिर मैं इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कि डिस्क्राइब कर दूंगा कंडो रीडो क्या होता है, और फिर इस ऐप्स को हम अपने हिसाब से मैनेज कर पाते हैं। रिबन क्या होता है, इट एक्सटेंड्स अक्रॉस द टॉप ऑफ द प्रोग्राम विंडो डायरेक्टली बिलो द टाइटल बार, मीन्स ये प्रोग्राम विंडो के नीचे होता है और ये डायरेक्टली एक्सेस टाइटल बार के मीन्स नीचे होता है। एंड कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ टैब्स, और इसमें क्या होते हैं, सेट ऑफ टैब्स होते हैं, ईच ऑफ विच कंटेन ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स, और उसी से रिलेटेड कमांड, जैसे कि एक बात कर लो, रिबन समझ में आ जाएगा। मान लो कलर्स है, तो कलर्स हम लोग जनरली क्या जानते हैं कि 12 कलर्स होते हैं, 9 कलर्स होते हैं, लेकिन आप जब पढ़ने बैठेंगे कंप्यूटर में और इसके बारे में जानकारी लें, तो यहाँ पे अलग अलग कलर के कलर्स होंगे, तो सारे कलर्स को हमको डिस्प्ले करके स्क्रीन पे दिखाना उसके लिए संभव नहीं है जो डेवलपर्स हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, इस कलर के नेम को उसी में इस रिबन वाले फीचर्स में ऐड कर दिया है। उसी तरह फॉन्ट साइज है, तो फॉन्ट साइज हमको किसी को 10 पसंद है, किसी को 8, किसी को 12, 16, 20, 50, 100,
इस टाइप से। तो इन सारे नंबर्स को स्क्रीन पे दिखाना तो संभव नहीं है ना, इसीलिए वो क्या करता है ड्रॉप डाउन मेनू टाइप का एक फीचर्स बनाया हो जिसको रिबन बोलते हैं, और उसमें आप अपने हिसाब से उसको यूज कर पाते हैं। नेविगेशन पेन, इट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द प्रोग्राम विंडो। इट डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स सच एज टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट इटीसी इन अ डेटाबेस। और ये आपका नेविगेशन पेन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, ये हमेशा क्या होता है लेफ्ट साइड ऑफ द प्रोग्राम विंडो होता है। और ये डिस्प्ले मीन्स ये इसमें इसके लिस्ट में क्या क्या होते हैं, जैसे टेबल्स हो गए, क्वेरीज हो गई, फॉर्म्स हो गए एंड रिपोर्ट हो गए। डॉक्यूमेंट टैब, इट कंटेंस द टैब ऑफ ऑल द ओपन डॉक्यूमेंट्स। ऑब्जेक्ट्स मीन्स इसमें अभी तक आप लोगों ने जो जो टेबल्स, क्वेरी, जो भी फॉर्म्स आप खोले हैं उसको आप इसमें दिखा सक इसको देख सकते हैं। रिकॉर्ड नेविगेशन बार, इट हेल्प यू टू नेविगेट थ्रू ऑल द रिकॉर्ड्स वन एट अ टाइम। मीन्स इट हेल्प यू टू नेविगेट थ्रू ऑल द रिकॉर्ड्स वन एट एंड यू कैन डायरेक्टली गो टू द स्पेसिफिक रिकॉर्ड बाई जस्ट हिस्ट्री। मीन्स आप जितने जितने अभी तक रिकॉर्ड आपने नेविगेशन पेज खोले हैं जो भी हैं उसको आप वन बाई वन देख सकते हैं, और इसमें जाकर जिसकी अब जरूरत है आप डायरेक्टली उसको ओपन कर सकते हैं। रिकॉर्ड सर्च बार, इट अलाउ यू टू सर्च रिकॉर्ड्स इन द करेंट ओपन ऑब्जेक्ट। मीन्स कोई अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है, कोई करेंट रिकॉर्ड है, उसमें अगर कोई चीज़ ढूंढनी है, किसी इंफॉर्मेशन को, किसी टेबल के रिकॉर्ड को ढूंढनी है तो आप इसको ढूंढ सकते हैं। और स्टेटस बार क्या होता है, इट इज़ लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द प्रोग्राम विंडो एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटाबेस, प्रोवाइड एक्सेस टू सर्टेन प्रोग्राम्स एंड फंक्शंस। और ये लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम के नीचे बिल्कुल होता है, और ये क्या कराता है इंफॉर्मेशन देता है डेटाबेस के बारे में और एक्सेस देता है कुछ सर्टेन प्रोग्राम्स के बारे में। तो ये हैं आपके एलिमेंट्स, तो इसको क्या करेंगे आप लोग फेयर में इस चीज़ को बनाएंगे और इसके डिस्क्रिप्शंस को लिखेंगे और मेरे साथ व्हाट्सएप में शेयर करेंगे। तो कल हम इसके बारे में DBMS के बारे में पढ़ेंगे, उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली नुकसान तो कुछ होता नहीं है, फ़ायदे ही फायदे हैं, तो कल हम इस पर बात करेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है, ओके बाय।